नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेहद ही शानदार टॉपिक की बात करते हैं कि सेक्शन ए में हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेक्शन ए में आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होगा, वो सभी के लिए होगा। वो आप BA हो या आप BSc हो या आप BCom हो, BBA हो, BSW हो, BMC हो, कोई भी हो या आपका BCA हो, कोई भी हो, आपको सेक्शन ए बनाना होगा। तो चलिए आज का पूरा वीडियो देखते हैं कि एडमिशन 2022 पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, जो नए लड़के देख रहे हैं वो मुझे नहीं जानते होंगे, तो 1 मिनट उनके लिए, कि मेरा नाम जो है कृष्णाकांत सिंह है। BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी सेशन जो लिख देता हूँ, 2019-22 का मैं विद्यार्थी हूँ। ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहा हूँ। 4 सालों से मैं आपको PU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ना जाने कितने, कम से कम पिछले 4 सालों से हमारी कोर्स से कम 400-500 लड़के 4 सालों में जुड़े हैं और उन सभी का रिजल्ट हमने दिया है। तो अब मेरे बारे में जान लिए, सबसे पहले हमारी अब कोर्सेज के बारे में जान लीजिए कि हमारी कोर्सेज क्या है जो हम आपको पढ़ाते हैं। तो डेली 3 लाइव क्लासेस आपको मिलता है। अब जो लड़के आज के बाद नए आएंगे, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के बाद जो लड़के न्यू लड़के आएंगे उनको जो प्रीवियस वीडियो है जो छूट गया है, जो हमारी क्लासेस जो चल रही है वो 2 महीने से चल रही है, तो 2 महीने से चल रही है, तो जितने भी क्लासेस आपकी लाइव क्लास छूटी है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। उसका क्या होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा प्रीवियस ईयर जितने भी रिकॉर्डिंग है, जैसे आप कैरियर बिल अन अकेडमी वगैरह पे देखते हो कि क्लास रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद आपको दे दिया जाता है, तो आपको सारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकॉर्डिंग में हम बताते हैं आपको अभी क्या क्या खत्म हो चुका है सभी के लिए, BA, BSc, BCom के लिए। उसी रिकॉर्डिंग का डेली, उसी क्लास का हम आपको क्या करते हैं, डेली PDF देते हैं। उसी क्लास का डेली हम आपको क्या करते हैं, PDF देते हैं। फिर हम आपको टॉपर्स टॉक करवाते हैं कि टॉपर्स जितने भी हुए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। अभी तक हम लोगों ने आपको 5,000+ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि आपको GK, GS, रीजनिंग, मैथ मिलाकर 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस दे दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको दे देंगे 2016, 2016, 2019, इन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया जाता है। 24x7 हम आपके कॉल पे रहेंगे। आपको कहीं भी रिकॉर्डिंग देख लिए, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम आपको कॉल फैसिलिटी देते हैं, प्रोफेसर सजेशंस देते हैं। 200% सिलेक्शन देंगे हम आपको। वीकली टेस्ट, आज के बाद वीकली टेस्ट मिलेगा। तो जो लड़के नए आएंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका क्लास जो है वो छूटा है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आप सारा यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अपने आप से यदि हमारे साथ जुड़ कर करते हैं तो। ये हमारी सारी पेड कोर्स है, मात्र पेड कोर्स का कीमत है अभी ₹450, अभी मात्र ₹450 है। आने वाले समय में जो ये कोर्स की प्राइस जो है वो आपकी बढ़ सकती है, तो अभी ₹450 कोर्स की प्राइस है। गूगल पे या फोन पे आपको इस नंबर पे करना है, अकाउंट पे भेजना चाहते हैं तो इस नाम से अकाउंट पे आपका भेज सकते हैं, ठीक है। इसके साथ व्हाट्सएप नंबर, फोन पे या गूगल पे करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे आप बात कर सकते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये हमारी कोर्सेज के बारे में रही है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस एंड बुक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम का, सिलेबस एंड क्या क्या बुक्स आपके सेक्शन ए में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए की बात करते हैं, सिलेबस फॉर सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या क्या देखना है, सेक्शन ए में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। तो सेक्शन ए के बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए देख लीजिए, सेक्शन ए के होते हैं तीन भाग में पहला आता है जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस जो आपका रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ आपका आता है सेक्शन ए में रीजनिंग। रीजनिंग जो आपके होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है मैथ। मैथ जो होता है आपका 10 मार्क्स का होता है। तो जीके जीएस 20 मार्क्स के, रीजनिंग 10 मार्क्स के। अब देखिए जो क्लासेस जो चली हैं वो सेक्शन ए, हमारी सारी हमारी कोर्स में सेक्शन ए पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है। तो जो लड़के न्यू आएंगे ना वो सेक्शन ए की तैयारी 5 दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजोगे हम आपको लिंक दे देंगे, सारा का सारा लिंक दे देंगे, जो हमारी जितनी भी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस हुई है सारा आप 1 दिन में बैठ कर देख कर खत्म कर सकते हो। 1 दिन तो नहीं, कम से कम
मान लो 5 दिन यदि रेगुलर देखोगे, 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रेगुलर देखोगे, तो 4 से 5 दिन आपको मिनिमम लगेगा आपको खत्म करने में। तो ये सारा का सारा जीके जीएस हम पढ़ा दिए हैं, रीजनिंग हम पढ़ा दिए हैं, मैथ हम पढ़ा दिए हैं, इन सभी का जो है एक एक जैसे 16 वीडियो रीजनिंग में दिए हैं, 10 से 12 वीडियो हम आपको मैथ में दिए हैं, 8 से 9 वीडियो हम आपको इसमें दिए हैं, जीके जीएस में दिए हैं। कोई वीडियो 1 घंटे का है तो कोई 1.5 घंटे का है। तो इस टाइप से आप पूरा पूरा देख सकते हैं सेक्शन ए। आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, 40 में आप 35 बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। तो अभी भी सेक्शन ए और सेक्शन बी की क्लासेस अभी जो है चल रही है। अब जीके एंड जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये दो इतना टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो भारत एवं विश्व में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं। अब इतना आप देखते हैं साथ आपको लगेगा कि इतना कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो पढ़ने का होता है, बहुत से क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं। जैसे पुरुष वाले में यदि 50 है 40 है तो इसमें आपका 15 ही आपको पढ़ना होगा, 15 से 16 आप यदि पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा। तो कौन कौन 15 16 पढ़ना है वो हम आपको बताएंगे। फिर भारत में प्रथम विविध के बारे में, फिर विश्व में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं और विश्व में प्रथम विविध, ऐसे करके है सारा। फिर विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा, अब भारत में भी सबसे बड़ा ऊंचा लंबा, भारत के शहरों एवं भौगोलिक उपनाम, जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं, महलों का शहर किसे कहते हैं, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है जनगणना 2019, 2019 के जनगणना के बारे में, फिर भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी, राज्य एवं उनकी राजधानी सूची के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी, भारत के प्रमुख भाग जैसे नांगल डैम कहाँ है, भाखड़ा नांगल कहाँ है, कौन कौन डैम कहाँ पर है उस तरह। फिर 13 प्रमुख बंदरगाह के बारे में कि कौन बंदरगाह कहाँ है, भारत के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में कौन कौन से कितना, ये सारा का सारा हम करवा दिए हैं अपने क्लास में। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप हमारी क्लास से देख सकते हैं। भारत के सभी 105 राष्ट्रीय उद्यान, फिर 53 टाइगर रिजर्व, भारत के सभी प्रमुख झीलें, भारत की 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को में कौन कौन से विरासत स्थल है बोलेगा, निम्नलिखित में कौन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। फिर दर्रे, जैसे जोजिला दर्रा, बुरलिया दर्रा, ये सब दर्रे के बारे में। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे ऐसे। फिर मुख्यालय जैसे सार्क का, WTO का स्थापना वर्ष के बारे में आपसे पूछेगा। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे ध्यानचंद पुरस्कार, ये भारत रत्न के बारे में, तो ये सब पुरस्कार के बारे में सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया और ऑस्कर पुरस्कार हुआ, तो इस सभी में पुरस्कार के बारे में। उद्योग एवं महारत्न कंपनी भारत के प्रमुख उद्योग, परिवहन रेल सड़क परिवहन के बारे में, और नदियों के किनारे बहुत बसे प्रमुख शहर। तो ये सारा का सारा हम करवा दिए हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो हमारा 8 से 9 वीडियो जीके का अपलोड है, वहां पे हम सारा का सारा आपको करवा दिए हैं। तो आप हमारी कोर्स से जुड़िएगा तो आपको सारा का सारा मिल जाएगा। फिर रीजनिंग की सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है। तो एनालॉगी, सबसे पहले एनालॉगी जो हम पढ़ा दिए हैं 16 क्लास में, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, फिर सीरीज का क्वेश्चन आएगा, फिर लुप्त संख्या मिसिंग वर्ड के सवाल आएंगे, फिर वेन डायग्राम आएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग आता है, फिर आकृति पूर्ति आता है। तो ये 10-12 टॉपिक है जो हम 16 क्लास में खत्म आपको किए हैं। एक क्लास 1.5-1.5 घंटे का है, 1.5-1.5 घंटे, सारा का लिंक हम आपको दे दिया जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये आकृति पूर्ति के बारे में ये सारा का रीजनिंग है। नेक्स्ट मैथ की बात करें तो मैथ में ये भी खत्म हो चुका है, 10 से 12-13 क्लास में हम आपको कर दिए हैं, जिसमें एवरेज हो पढ़ाई होगी है, तो एवरेज आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और एलसीएम एसएफ आपको पढ़ना है। तो इन सभी चीजों का क्लास हमारे चैनल पे खत्म हो चुका है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे कोर्स के साथ जुड़िए, आपको 100% सफलता यहाँ पर मिलेगी। मात्र 450 रुपया में हम आपको क्या करते हैं, डेली PDF देते हैं, PDF के साथ आपसे बात करते हैं, आपको क्लास देते हैं। तो 450 रुपया अभी जो है आप 1 महीने का सिर्फ डाटा भरवाते हो, उसी 1 महीने के डाटा के लिए अभी पटना यूनिवर्सिटी 1100 लेता है, इसीलिए हम मात्र 450 लेते हैं ये कुछ दिनों के लिए, आगे फीस जो हो जाएगी आपकी 600 हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।